रीगा चीनी मिल मामले में लोजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकेश झा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कौड़ियों के भाव में चीनी मिल को बेच दिया गया है, जिससे लाखों परिवारों के सामने भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। नाहर चौक स्थित होटल श्री इंटरनेशनल के सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश झा की अध्यक्षता में रीगा चीनी मिल के नीलामी में व्यापक भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जिलाध्यक्ष ऋषिकेश झा ने कहा कि रीगा चीनी मिल की नीलामी से यहाँ के लोगों को जो उम्मीद है कि मिल पुनः चालू होगी, यह एक छलावा है और यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। इस एक चीनी मिल से सीतामढ़ी के आसपास के 6 लाख से अधिक लोगों का पेट भरता था, लेकिन नीतीश सरकार की उद्योग विरोध नीति की वजह से दिन प्रतिदिन यहाँ उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। जिला प्रभारी विनीता सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को अंधकार में ले गए हैं, जिसे हमारे चिराग जी इस अंधेरे को दूर करेंगे, प्यार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। लोजपा नेता सह अधिवक्ता सुशील कुमार ने कहा कि रीगा चीनी मिल के नीलामी में बड़े पैमाने में धोखाधड़ी हुआ है। 15 करोड़ रुपए का लोन बेलसंड सुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है और यह कहकर माफ कर दिया गया है कि कंपनी लोन चुकाने के हालत में नहीं है। इस कंपनी में रीगा चीनी मिल के डायरेक्टर का मात्र 3% शेयर था, जो चीनी मिल के दिवालिया होने तक 43% तक हो जाता है, जो भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करता है। लोजपा नेता सुशील कुमार ने सीबीआई ईडी जांच की मांग की, साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करते हुए उनके सभी कंपनियों की जांच की बात कही। हुआ है ट्रांजेक्शन का जो फंड का डाइवर्जन हुआ है 15 करोड़ लोन उन्होंने दिया, जब खुद ही अपने लाले हैं तो दूसरे को तुम लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आ गया 15 करोड़ के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि रिजर्व प्राइस जो रखा है उन्होंने 101 करोड़ रुपया का, वो भी एक सस्पिशन में आता है कि इतना कम प्राइस क्यों रखा गया, जबकि उसकी जो अप्रोक्सीमेटली लैंड कॉस्ट हो रही है 200 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली आ रही है, तो ये भी एक साजिश है। तीसरी चीज़, कंपनी सील होने के बाद भी कंपनी चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ही कंपनी में लिखा है कि किसी तरह का ये कंपनी जो खरीदेगा वो चलाएगा, कोई गारंटी नहीं। और जब तक 280 करोड़ रुपया नहीं मिल जाता, किसानों को मिलने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर है, क्योंकि वो सबसे पहले बैंक को मिलेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर को मिलेगा, फिर लास्ट में चौथे नंबर पर वो किसान आता है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम कंपनी के पास जो है 286 करोड़, जब तक पेमेंट मिनिमम इतना आएगा तो ही जाके किसानों को पैसा मिल सकता है। और सीबीआई की इंक्वायरी का मांग करते हैं, इसमें फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, इसका भी मांग, यदि वही है तो इसी कॉपी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ है, ये हम मांग तक कर रहे हैं।